हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक पर्टिकुलर शेयर से, नहीं हम पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने थंबनेल में देखा ही है कि TCS, इन्फोसिस, ओके, विप्रो, इन सब माइंडट्री, इन कंपनियों को आप छोड़ो, ओके, अब दूसरी कंपनीज पे नज़र रखो। वो कंपनी आपको अच्छा खासा, इनसे ज़्यादा अच्छा खासा रिटर्न देती हुई आपको आने वाले एक महीने में रिटर्न देती हुई नज़र आएगी। तो उसी उन चार तीन चार कंपनी है उससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि दूसरे लोग भी हमारे चैनल से कनेक्ट हो सके और हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ सके। एज वेल एज नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए, कल वीडियो अच्छी बनी थी, कुछ इशू आ गया था, ओके, जो मुझे बाद में पता चला तो वीडियो तब तक डल चुकी थी, तो उसको रेक्टिफाई कर दिया और मैंने अभी एक रिसेंटली एक वीडियो अपलोड कर दी है इसी से रिलेटेड, और शॉर्ट में आपको बताया है, तो ज़्यादा टाइम इसमें नहीं, मैंने आपको आपका वेस्ट नहीं किया है। बट सारे केसेस जो मुझे लगता है कि आपको बेचना चाहिए, खरीदना चाहिए, अगर आपके पास है तो क्या बेच देना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए, उससे रिलेटेड मैंने अपना व्यू दे दिया है। बाकी इसे आप इस वीडियो को जाके जरूर देख लीजिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक मिलेंगे। अगर आपका ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट नहीं है, यहाँ पर क्लिक करें, फ्री में अकाउंट ओपन कराएं, और एक और लिंक है, यहाँ पर क्लिक करें, श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, इनकी वेबसाइट पर ले जाएगा और अपनी इच्छा अनुसार, श्रद्धा अनुसार जो भी दान करना चाहे आप दान दे सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ। तो जैसे कि आपको पता ही है, पिछले टाइम TCS का रिजल्ट आया काफ़ी बेहतरीन आया, इन्फोसिस का थोड़ा डल आया, विप्रो का सबसे अच्छा आया, माइंडट्री का भी थोड़ा सा कम आते हुए हमें नजर आया, बट स्टिल IT कंपनी के रिजल्ट इनके आ चुके हैं और वो कंपनी अब कंसोलिडेशन फेज में, मुझे लगता है कि कुछ टाइम के लिए तो अगर थोड़ा बहुत बड़ी तो बड़ी, बाकी एक दो महीने तो आप उन्हें कंसोलिडेशन फेज में मानिए, क्योंकि वो शेयर अभी भागते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उनका पैसा आप दूसरी जगह ट्रांसफर होता हुआ नजर आएगा। तो जिन कंपनियों में ट्रांसफर नजर होता हुआ आएगा और वो कंपनी अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है, तो उन्हीं से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं। तो उस श्रेणी में सबसे पहला नंबर आता है टाटा इलेक्सी का। टाटा ग्रुप का ही शेयर है टाटा इलेक्सी, काफी बार इसकी वीडियो बनाई है। यह शेयर 1600 रुपए चल रहा था, तब से मैं इस पर वीडियो बनाता आ रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि इसे शेयर को खरीदिए, काफ़ी बेहतरीन शेयर है, आज की रेट में 3000 के आसपास आ चुका है। और बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3119 रुपये का शेयर, आई थिंक ये कल की डेट में आया था या इससे पहले आया था, और इसी रेंज में पिछले एक महीने से अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं, एक महीना तो नहीं कहेंगे, हाँ एक महीने ही कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ टाइम से तो इसी रेंज में ये आपका कंसोलिडेशन करता हुआ नज़र आया, कभी ऊपर गया कभी नीचे गया है, और 6 मंथ में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देते हुए नज़र आया है ये शेयर। इसके आसपास मैंने वीडियो बनाई थी, यहाँ पर भी एक वीडियो बनाई थी मैंने कि आप इस शेयर पे नज़र रख सकते हैं, और ये शेयर ने अब तक अच्छा खासा आपको रिटर्न देता हुआ नज़र आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी कंसोलिडेशन फेस, बट ये कंपनी करती क्या है इससे रिलेटेड मैंने पूरी एनालिसिस करके आपको बता रखा है, तो ऊपर आई बटन पर लिंक दे दूंगा अगर मुझे मिल गया, तो उस वीडियो को जाके जरूर देख लीजिएगा, तो आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। और अगर इन शॉर्ट अगर हम फाइनेंस की, इसके फाइनेंस की बात कर लेते हैं, तो IT कंपनी से रिलेटेड कंपनी काम करती है, मिड कैप कंपनी है, ज़्यादा पैसा लगाना नहीं है, ROC देख लीजिए काफ़ी अच्छा है 35, और डेट इक्विटी रेशियो काफ़ी कम है, कम डेट है, और प्लेजिंग की बात करें तो कोई भी शेयर इनका प्लेज नहीं है। अगर यहाँ ईयरली बेसिस पे सीधे हम बात करते हैं तो कंपनी के अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 58 करोड़ का प्रॉफिट 10 साल के अंदर 335 करोड़ का प्रॉफिट में चेंज हो चुका है, जो कि सबसे ज़्यादा है, और कंपनी कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस देती आई है और अपने रिटर्न के मामले में TCS की बाप है, TCS से भी ज़्यादा रिटर्न ये आपको देती हुई नजर आई है। तो इस कंपनी की तरफ नजर रखना, रिजर्व्स काफी अच्छे हैं, यहाँ देख सकते हैं, और 1000 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है, कोई ना के बराबर इनका कर्ज है, बल्कि कम कर्ज होता हुआ नजर आया है। अगर यहाँ पर और भी कुछ देख लेते हैं, यहाँ पर इंटरेस्ट तो 1 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट पे करते हैं, तो कम इंटरेस्ट यहाँ पर आप देख लीजिए, बोरिंग कमी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास है नहीं, कैश अच्छा खासा है, और अगर बात करें प्रमोटर्स की, होल्डिंग अच्छी है, FIIs देखिए 12% की हिस्सेदारी है, DIIs 5% की, तो मतलब अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ाते हुए नजर आ रही है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास भी 38% की हिस्सेदारी है, तो इस कंपनी की तरफ नज़रें बना के रखना। इसके अलावा दूसरी कंपनी है जो अगर बात करें तो LTTS के रिजल्ट आने वाले से है, जैसे कि बता देता हूँ, LTTS का 3 मई को रिजल्ट आने वाला है, तो इस डेट को याद रखिएगा। तो LTTS शेयर काफ़ी बेहतरीन शेयर है, ओके, लार्सन टुब्रो ग्रुप का है, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, आप देख सकते हैं कंपनी को 4-5 साल हुए हैं, काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स इसने आपको इस क्वार्टर के अंदर अंदर अगर बात करें, एक पेंडामिक के अंदर अंदर देती हुई नज़र आई है, और काफ़ी बेहतरीन शेयर भी है। देखिए लार्ज कैप कंपनी 28,631 करोड़ की कंपनी है, ROCE काफ़ी बेहतरीन है, 42% की से लगभग यहाँ पर ROCE है। अगर बात करें डेट टू इक्विटी
रेशो, कंपनी का थोड़ा सा कर्जा है। अगर प्लस की बात करें, कोई भी शेयर प्लस नहीं है कंपनी। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट 311 करोड़ का प्रॉफिट, 4 साल के अंदर अंदर डबल हो चुका है 674 करोड़ के प्रॉफिट में, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। तो इस कंपनी की तरफ हमेशा नज़रें बना के रखिएगा। और यहाँ पर रिजर्व्स भी देख लीजिए, 2 करोड़ के रिजर्व्स 3000 करोड़ के रिजर्व्स में चेंज हो चुके हैं 4 साल में। बोरिंग देख लीजिए, बोरिंग इनके जैसे कि बता चुका हूँ बोरिंग थोड़ी बहुत है 530 करोड़ की, बट कोई इशू नहीं है। इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कर रखा है, कंपनी के पास कैश इक्विवेलेंट काफ़ी अच्छा है 277 करोड़ रुपये का, कैश फ्लो सही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखती है लगभग 75% है। FIIs ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, DIIs के पास लगभग 6% की हिस्सेदारी है, और पब्लिक पर्स की बात करें तो पब्लिक के पास 10% की हिस्सेदारी है। तो इस कंपनी की तरफ भी आपको नज़रें बना के रखनी है, अपने रिजल्ट तक ये शायद 3000 को टच करता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा लार्सन टुब्रो का एक और है, लार्ज कैप कंपनी है, ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं लार्सन टुब्रो इन्फोटेक, ये भी इस कंपनी, ये भी कंपनी देखिए इसी रेंज में कंसोलिडेट करती हुई नज़र आ रही है, लगभग 4400 रुपये जाती है, फिर 4000 रुपये आ जाती है इसी लेवल पर। बट इसके रिजल्ट आने वाले हैं, और जैसे ही इसके रिजल्ट आएंगे तो ये कंपनी मुझे लगता है कि 4600 से 4700 रुपीज़ तक जाएगी। तो अभी भी 600-700 रुपये का यहाँ पर गैप नज़र आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने किस तरीके से आपको परफॉर्म करके दिखाया है। तो ऐसी कंपनी पर ध्यान रखना है, लार्ज कैप कंपनी है, 71000 करोड़ रुपये के आसपास मार्केट कैपिटल है, ना के बराबर डेट है, 40 का ROC है, प्राइसिंग कोई है नहीं कंपनी के पास। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें ईयरली बेसिस पे, तो यहाँ 419 करोड़ का प्रॉफिट 1818 करोड़ के प्रॉफिट में चेंज हो चुका है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना है, कंसिस्टेंसी दिखा रहा है प्रॉफिट में, कंसिस्टेंसी दिखा रहा है रेवेन्यू में। रिजर्व्स देखिए, अच्छे खासे रिजर्व्स है 6308 करोड़ के। बोरोइंग की बात करें, 861 करोड़ की बोरोइंग है, कोई इशू नहीं है इसमें। अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, 3000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। कैश इक्विवेलेंट की बात करें, लगभग 600 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट है। प्रमोटर्स की होल्डिंग सबसे अच्छी है, FIIs ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, DIIs के लगभग 5% की 4.5% की हिस्सेदारी है, और पब्लिक के पास भी 7 से 8% की हिस्सेदारी है। तो इस कंपनी की तरफ भी नजर रखनी है। इसके अलावा एक और दिग्गज शेयर है, यहाँ पर बात करें तो कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर 4% बढ़ता हुआ नजर आया था। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न काफी बेहतरीन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये NSE पे दिखा रहा है, आई थिंक BSE पे भी एक बार चेक कर लेते हैं कंपनी को आए हुए कितना टाइम हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिए कंपनी काफ़ी पुरानी है, 2004 से कंपनी यहाँ पर नज़र आ रही है, बट 2004 से अच्छा खासा परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। तो इस कंपनी की तरफ भी नज़रें बनाइएगा, मिड कैप कंपनी है, 19000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 26% के आसपास ROC है, कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री है, कोई भी कर्ज कंपनी के पास है नहीं। यहाँ पर अगर बात करें ईयरली बेसिस पे नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पर पिछले 10 साल में 115 करोड़ रुपए का प्रॉफिट लगभग 436 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में तब्दील हो चुका है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस हमेशा बढ़ता हुआ ही हमें नज़र आ रहा है। रिजर्व्स की बात करें तो 329 करोड़ का रिजर्व्स लगभग 2104 करोड़ का रिजर्व्स में चेंज हो गया है। बोरिंग कम कर दी है कंपनी, हमेशा अपनी बोरिंग कम करती हुई नज़र आ रही है, और 1 करोड़ रुपये का ही यहाँ पर बोरिंग है, जो कि इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट 12 करोड़ रुपए के आसपास की इन्वेस्टमेंट है, कैश इक्विवेलेंट अच्छा खासा है 400 करोड़ के आसपास, और प्रमोटर की होल्डिंग 64% के आसपास है। FIIs देखिए हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, DIIs की हिस्सेदारी लगभग सेम ही है, उन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी पिछले 2-3 क्वार्टर में बढ़ाई है। गवर्नमेंट के पास कोई नहीं है, पब्लिक के पास लगभग 10% की हिस्सेदारी नजर आती है। तो ओवरऑल बात की जाए तो देखिए इन सभी कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं, और रिजल्ट इन सब कंपनी के कैसे भी आए, ये कंपनी तब तक आपको 5 से 10% का रिटर्न दे सकती है। अलग अलग यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंसोलिडेशन फेज पे देखिए काफ़ी ये यहाँ पर देखिए पहले इस कंसोलिडेशन फेज पे चल रही थी, फिर अच्छा खासा भागा, अब इस कंसोलिडेशन फेज पे चल रही है, और मुझे लगता है कि ये अच्छा खासा 3300 रुपये तक भागता हुआ नजर आएगा। टाटा एलेक्सी की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा LTTS की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर और भी देख लेते हैं LTTS के बारे में। यहाँ पर आप देख लीजिए, एक मिनट यहाँ पर अपडेट हो रहा है। LTTS अगर इसके RSI की बात करें, 51 के RSI पे चल रहा है अच्छा खासा, और यहाँ पर भी देखिए कंसोलिडेशन फेज, फिर भागा, फिर यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन फेज, तो अभी भी भागेगा तो 3000-3100 के आसपास का लेवल ये टच करता हुआ नजर आएगा। तो इसकी तरफ नज़रें बनाइएगा। इसके अलावा लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक, ये शेयर भी काफ़ी बेहतरीन है, ये भी काफ़ी कंसोलिडेशन फेज भागा, फिर कंसोलिडेशन फेज पर चल रहा है, और मुझे क्या लगता है ये 4800 रुपये तक जाता हुआ मुझे साफ नज़र आ रहा है। तो इसलिए इस कंपनी में नज़रें बनाइएगा, अच्छा खासा आपको रिटर्न मिलता हुआ नजर आएगा LTTS में। इसके भी अगर हम बात कर लेते हैं 47 के RSI पे ये कंपनी भी चल रही है। इसके अलावा कोफोर्ज की बात कर लेते हैं तो कोफोर्ज लिमिटेड, ये भी शेयर काफी बेहतरीन शेयर नजर आता है, काफी बातें होती है इसके बारे में। तो यहां पर इस शेयर की तरफ भी अगर आप नजर बनाते हैं तो देखिए कंसोलिडेशन फेज
पे चल रहा था, फिर भागा। तो ये शेयर भी अच्छा खासा है अगर बात करें यहाँ पर, ये भी 61 के RSI पे चल रहा है। थोड़ा बहुत और भाग सकता है, 5-10%, 5-1% के चांसेस और है इसके कि ये अपने रिजल्ट टाइम तक आपको देता हुआ नजर आए। तो इन कंपनी की तरफ नज़रें बनाइएगा, ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। ओके, अपनी दिग्गज कंपनी है अपने लीडर में, और इन्होंने पिछले एक साल से परफॉर्म करते हुए दिखाया है। ओके, तो इन कंपनी की तरफ नज़रें बना के रखिएगा, ये कंपनी आपको अच्छे खासे रिटर्न आने वाले टाइम में देती हुई नजर आएगी। तो इनकी इसकी तरफ नज़रें बनाइए, और कोई भी पोजिशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और खुद की हेल्प, खुद की स्टडी डेफिनेटली कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार जो आपका खुद का चैनल है, सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि और बेल आइकन को हिट करें, ताकि फौरन तौर पर आपको इस तरीके के अपडेट्स मिल जाए, और दूसरे लोगों को भी इस चैनल के साथ कनेक्ट कराइए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।